नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे। तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत। या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे। महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर लहंगा आणि लेडीज वेअर चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर। पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर। बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर। तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तुरबा रोड, चंद्रपूर। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी गर्मी के दौरान नागपुर आम आदमी पार्टी ने नागपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बोलते हुए कहा कि कल महाराष्ट्र की राजनीति में भ्रष्टाचार का एक और भूचाल आया। बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में इस तरह से गंदी राजनीति शुरू कर दी है कि वे सबके पार्टी में लगे और उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई को रोकेंगे। भाजपा संविधान को रौंद कर अपने लिए सुविधाजनक तरीके से कानून में बदलाव कर सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है। कई विधायकों और सांसदों के मामले में बीजेपी महाराष्ट्र के तमाम भ्रष्टाचारियों को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर और पैसे देकर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। इसी दौरान नागपुर आम आदमी पार्टी के अमरीश सावरकर ने कहा कि शिंदे, राणे, अजीत पवार जैसे अलग अलग मोहरों को अलग अलग मोर्चों पर भेजकर मोदी, शाह और देवेंद्र फडणवीस उन्हें व्यवस्थित तरीके से संभाल रहे हैं। भाजपा भ्रष्टाचार के दाग वाले चेहरों को लेकर देश में अस्थिरता पैदा कर रही है। जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही घटनाओं से नाराज और दुखी हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि भारत के पारंपरिक पार्टी नेता लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में नहीं है। वे सत्ता, भ्रष्टाचार, प्रसिद्धि, वित्तीय लाभ लेने के लिए राजनीति में है। उन्होंने आगे बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा विचारधारा पार्टी या लोगों के प्रति वफादार नहीं हो सकते। वे सार्वजनिक सेवा के कारण नहीं बल्कि अपनी जाति, पारिवारिक पृष्ठभूमि और धनबल के कारण चुने जाते हैं। बीजेपी ऐसे नेताओं को ईडी, सीबीआई, आईटी के रडार पर झुकाकर पार्टी बदलने या समर्थन करने के लिए मजबूर कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए नागपुर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने भाजपा पर अनेक आरोप लगाए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी ज्या ठिकाणी या सभा झाल्या तिथे जाऊन गोमूत्र शिंपडून त्याचं शुद्धीकरण केलं, ही सरळ सरळ ज्याला आपण अनटचेबिलिटी म्हणतो आणि जी संविधानाने जी बॅन केलेली आहे ती अनटचेबिलिटी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या विरुद्ध भाजपाच्या नेत्यांनी करून सुद्धा काँग्रेसचे नेते, काँग्रेस पक्ष किंवा महाविकास आघाडीतील नेते हे स्वतःचा मान सन्मान स्वतःच्या हक्काकरता ते लढू शकत नाहीत, ते जनतेच्या हक्काकरता काय लढणार आहेत। आणि म्हणून ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन आम आदमी पार्टी 2012 पासून आम आदमी पार्टी अस्तित्वात आली, त्यावेळेसपासून स्वतःच्या कष्टाने, स्वतःच्या मेहनतीने, इमानदारीने आम आदमी पार्टीने दिल्ली आणि पंजाब सारख्या राज्यातून आपलं सरकार चालवून लोकांच्या प्रती जे कर्तव्य आहे, लोकशाहीच्या प्रती जे कर्तव्य आहे, ते कर्तव्य पूर्ण करण्याचा पूर्ण प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे। आणि आज जी परिस्थिती सगळ्या भारतामध्ये होऊ घातलेली आहे त्या परिस्थिती सोबत लढण्याकरता सुद्धा आम आदमी पार्टीने आपली कंबर कसलेली आहे। महाराष्ट्रामध्ये आज आमचे आमदार, खासदार काही नाही आहे, आमच्याकडे जनप्रतिनिधी नाही आहे, परंतु आम्ही राष्ट्रीय पक्ष आहोत आणि म्हणून आमच्यावर एक जबाबदारी आहे पूर्ण राष्ट्राची, आणि त्या जबाबदारीतून आम आदमी पार्टी महाराष्ट्राकरता आपली जबाबदारी घेते आहे आणि लोकांच्या हक्काकरता, लोकांच्या लोकशाहीतील जे हक्क आहेत ते त्यांचे बाधित न होऊ देण्याकरता किंवा त्या हक्कांवर अतिक्रमण न होऊ देण्याकरता आम आदमी पार्टी लढा देत राहील, त्याकरता इथनं पुढे प्रयत्नशील राहील। आम आदमी पार्टीची यापुढची हे वाटचाल कशी राहणार, कशा पद्धतीने आम आदमी पार्टी आपला जो रोल आहे तो कशा पद्धतीने पूर्ण करेल,
हे माझे सहकारी वरिष्ठ सहकारी श्री जगजीत सिंह जी मानतील असे मी त्यांना विनंती करतो। देखिए जो कल घटना घटी है महाराष्ट्र के अंदर में, इससे बीजेपी का चाल चरित्र और संस्कार सामने आ गए। ये 2019 में शुरू हुआ था, जब गवर्नमेंट बनी थी सवेरे 6 बजे, वहां से शुरू हुई थी इसकी कहानी और वहां से शुरू हो करके आज ये 2023 में यहां तक के आ गई है। 24 घंटे के अंदर में अजीत पवार को क्लीन चिट दी जाती है 2019 के अंदर में, विदर्भा के स्कैम के अंदर में। हाई कोर्ट में अभी भी वो रिपोर्ट जो क्लोज हो चुकी है उसकी सुनवाई पेंडिंग है। वो सरकार तो नहीं चली, फिर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के बाद में तुरंत ईओडब्ल्यू बोलता है कि नहीं भाई ये मैटर हम क्लोज कर देंगे करके, उसको ईडी अपोज करता है। ईडी ही उसको अपोज करता है और ईओडब्ल्यू वाले बोलते नहीं हमारे को ये रिपोर्ट क्लोज करनी है, इसमें इसमें कोई इनका रोल नहीं है। 2022 में आप इसको जोड़िए, ईडी ईओडब्ल्यू अजीत पवार ये जो करप्शन वाले जितने भी सारे लोग हैं, ईओडब्ल्यू 2022 में गवर्नमेंट बदल जाती है, जो अनडिवाइडेड शिवसेना थी अब डिवाइड होकर के एकनाथ शिंदे साहब के साथ गवर्नमेंट बना देती है। ईओडब्ल्यू फिर बोलती है नहीं अभी हमें इसको वापस क्लोज करके ओपन करना है, हम इसकी रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं और हम इसके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं। ईडी ईओडब्ल्यू के पीछे चलना पड़ता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि अगर ईओडब्ल्यू फाइल नहीं करेगा तो ईडी भी फाइल नहीं कर सकता। ईओडब्ल्यू खुद ही अपनी रिपोर्ट को अपोज करता है, फिर ईडी का रोल आ जाता है, ईडी फिर अपनी चार्जशीट फाइल करती है। आप मुझे बताइए ये ईडी ईओ ये जो चल रहा है ये एक सरकारी यंत्र का प्रेशर टैक्टिक्स है संगठन खत्म करने के लिए, लोगों के पार्टियां तोड़ने के लिए कि इधर हो जाओ वॉशिंग मशीन में आ जाओ नहीं तो फिर तुम्हारे को जेल का रास्ता खाना पड़ेगा। वो बहुत कम नेता है मनीष सिसोदिया जैसे, सत्येंद्र जैन जैसे, जो इनकी सुनवाई में नहीं आए, उनको भी ऑफर किया गया था और वो जेल में है लेकिन उन्होंने इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मुशरफ हसन इनके ऊपर में भी कार्रवाई होती है, 1 हफ्ता पहले एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाती है, हाईकोर्ट में जाकर के बेल अभी पेंडिंग है, 11 तारीख तक के उनको सुनवाई के लिए टाइम दिया हुआ है और वो 11 तारीख से पहले मिनिस्टर हो जाते हैं। सुनील तटकरे उनकी लड़की, इरिगेशन स्कैम में उनका भी नाम है, 2012 से उनके ऊपर में केस चालू है और वो भी मिनिस्टर हो जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल हैरान है हम, वाइस प्रेसिडेंट बनाए शरद पवार जी ने, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए सुप्रिया सुले जी के ऊपर, अजीत पवार से भी ज्यादा उनकी इज्जत दी गई, वो इंसान भी उसके साथ कल खड़ा है क्योंकि उसका भी घपला बाहर निकाला। जो प्रॉफिटेबल रूट थे जो हमारी एयर इंडिया को देने चाहिए थे वो फॉरेन वालों एयरलाइंस वालों को दिए जा रहे थे कोई तलवार नाम के आदमी के थ्रू, उनके केस बाहर निकाले जा रहे। तो ये ईडी ईडब्ल्यू ईओडब्ल्यू और ये जो खेल चल रहा है ये सिर्फ पार्टी के संगठन तोड़ने के लिए खेल चल रहा है, ये पार्टी को खत्म करने के लिए चल रहा है और ये जितने भी नेता हैं उनको इधर आ जाओ, इधर बीजेपी में हो जाओ, आपके ऊपर पूरी कार्रवाई बंद हो जाएगी, ईडी भी बंद हो जाएगी, सब बंद हो जाएगी। लेकिन इससे इस देश की जनता ने जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने चुन के लाया है प्रतिनिधियों को, और ये प्रतिनिधियों को चुन के लाने के बाद में आज ये प्रतिनिधि बड़े आराम से एक सेटिंग करके, देवेंद्र फडणवीस जी का जिसमें बहुत बड़ा रोल है वो सेटिंग करके देवेंद्र फडणवीस के साथ बात करके, और देवेंद्र फडणवीस संडे को सरप्राइज देते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देखो अभी क्या होने वाला। ये डेमोक्रेसी की बेइज्जती है, ये लोगों की वोटर्स की जो मतदान करता है डेमोक्रेसी की बेइज्जती है, ये ठीक बात नहीं है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है, अपोजिशन का रोल खत्म करना चाहती है, बीजेपी को सब भ्रष्टाचारी अंदर चाहिए अपने, ताकि आगे कोई रहे ना बोलबाला करने वाला, अपोजिशन वाला रोल कोई निभाए ना, आम आदमी पार्टी अपना पूरा रोल निभाएगी। हमारे पास ना एमएलए ना एमपी। जनता करियर लॉन्चर, जनता महाविद्यालय चंद्रपुर, एक जवाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक पुनः एकदा सिद्ध। 11वीं 12वीं आईआईटी JEE नीट MHT CET इंस्टीट्यूट विथ 100% रिजल्ट।
12 वर्षाची यशस्वी वाटचाल फॉर MBBS अँड JEE ॲडव्हान्स सिलेक्शन्स. डॉक्टर व इंजिनियर घडवणारे जिल्ह्यातील पहिले इन्स्टिट्यूट जनता करिअर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर. सत्र 2023-24 साठी प्रवेश सुरू. रेसिडेन्शियल कॅम्पस दाताळा रोड रामनगर चंद्रपूर. ऑफिसचा पत्ता जनता BEd कॉलेज सिव्हिल लाईन्स चंद्रपूर. कार्यालयीन वेळ सकाळी 9 ते 5 पर्यंत. चंद्रपूर का एकमात्र आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज सौम्या पॉलिटेक्निक कमिटेड टू क्वालिटी एजुकेशन. कई वर्षों से 100% रिजल्ट की परंपरा जारी. एक्सीलेंट पॉलिटेक्निक इन चंद्रपुर बाय MSBTE, SC, ST, NT, BJS, BC और DT के लिए शासकीय शिष्यवृत्ति अंतर्गत प्रवेश मुफ्त. उसी तरह OBC, ओपन माइनॉरिटी और EBC के लिए शासकीय शिष्यवृत्ति अंतर्गत 50% छूट. विद्यार्थियों के लिए भव्य लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, जिम, कैंटीन, AC हॉस्टल, स्विमिंग पूल, खुला मैदान, बस सर्विस और भरपूर स्पोर्ट्स तथा कल्चरल एक्टिविटीज. सो टेक एडमिशन टुडे इन 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग. इसके अलावा BSNL, महावितरण, टाटा और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्लेसमेंट. सौम्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, अ वेंचर ऑफ महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल, आकाशवाणी रोड, वड़गांव, चंद्रपुर. हाँ, चंद्रपुर शहर के महाकाली मंदिर इलाके में मोबाइल स्नैचिंग का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस की सतर्कता से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. दरअसल मामला इस प्रकार है कि 3 जुलाई को सुबह करीब 10:30 बजे चंद्रपुर शहर के महाकाली कोलियारी के आनंद नगर इलाके में रहने वाला रोहित कोम दंडीवार गौतम नगर इलाके से महाकाली मंदिर जाने के रास्ते में अपने मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा था. उसी समय पीछे से आए 2 युवकों ने रोहित का मोबाइल फ़ोन छीन लिया और भाग गए, जिसके बाद रोहित ने तुरंत नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. शहर पुलिस की अपराध जांच टीम ने जांच शुरू की और इलाके के CCTV फुटेज की मदद से अपराध के सिर्फ 2 घंटे बाद आरोपी तन्वी बेग और शिवम कुलकेल बार को गिरफ्तार कर लिया गया और अपराध में प्रयुक्त 2 पहिया वाहन कीमत लगभग 70,000 और आरोपी ने चोरी की हुई वीवो मोबाइल कीमती 10,000 ऐसे कुल 80,000 का मुद्देमाल बरामद किया है. इस सफल कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेशी, अपर पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुधीर नंदनवार और पुलिस निरीक्षक सतीश सिंह राजपुर, अपराध जांच दल प्रमुख मंगेश भोंगले, पुलिस उप निरीक्षक शरीफ शेख पुलिस के मार्गदर्शन में की गई. कार्मिक विलास निकोडे, महेंद्र बेसरकर, जयंत चुनारकर, संतोष पंडित, चेतन गज्जलवार, सचिन बोरकर, प्रमोद डोंगरे, इमरान खान, इरशाद खान, दिलीप कुसराम, खुशाल कावले और रुपेश रणदिवे की सहायता से की गई है. राजस्थान ग्लास, ब्रांड नेम इन ग्लास वर्क्स. विंडशील्ड ग्लास पॉलिश सभी कारों के OEM विंडशील्ड ग्लास को बदलना और किसी भी अर्थ मूवर के सभी ग्लास का रिप्लेसमेंट, कार्यों के विशेषज्ञ. उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है. साथ ही हम डील करते हैं सेंट गोबाइन, XYG, डूराटफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी और SRF, गरवारे वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटो गोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टीन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध. तो याद रखिए एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर. संपर्क करें रमेश जांगिड़ 7387-44821, पुरनमल जांगिड़ 9689-099-957, राकेश जांगिड़ 9370-156878, नितेश पटेल 8551004488. नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी. वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलिशान फैमिली रेस्टोरेंट.
साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी पार्टी बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552271186, 9322899635। शादी का प्रलोभन देकर महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी का यशोधरा नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दिए जानकारी के अनुसार आरोपी ने महिला को शादी का प्रलोभन देकर बार बार उसका शोषण किया। जब पीड़िता ने उस पर शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में अधिक जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बेदोड़कर ने दी है। पोलीस स्टेशनला एक बलात्कारचा गुन्हा दाखल होता, त्यामुळे ते मोहम्मद जाबीर याला गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आलेली आहे आणि त्याची पोलीस कोठडी उद्यापर्यंत मिळालेली आहे। पुढील तपासकरिता ही महिला आणि आरोपी हे शेजारी राहणारे होते आणि आरोपीने महिलेला लग्नाचा आमिष दाखवून तिच्यासोबत वारंवार संभोग केलेला होता, त्यावरून पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल होता आणि त्या गुन्हा दाखलमध्ये आरोपी अटक करण्यात आलेला आहे। आरोपीला न्यायालयात हजर करून त्याची 4 दिवसाची पोलीस कोठडी मिळवण्यात आलेली आहे। पुढील तपास सुरू आहे। गुन्हा वगैरे आहे का? नाही, त्याच्यावर क्राईम रेकॉर्ड वगैरे नाही आहे, गुन्हे दाखल नाही आहे। आणि पहिली दाखल आहे का की आणखी काही? त्याचे आरोपीचे पूर्वीच लग्न झालेलं आहे, त्याला पत्नी आहे। महिलेचं सुद्धा पूर्वी लग्न झालेलं होतं, तिचा डिवोर्स झालेला आहे। ती यांच्या घराच्या शेजारी येऊन राहत होती आणि त्याचा ते फायदा घेऊन त्यांनी तिच्यासोबत संपर्क करून तिच्यावर संभोग केला होता। येरगुडे ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स, 33 years ऑफ एक्सलन्स इन टेक्निकल एज्युकेशन, श्री साई कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी, कॉलेज कोड 4190, कोर्सेस ऑफर्ड BTech in excellent results every year. Companies visited to Sai Engineering for campus interviews. Affiliate to Dibatu. Our students are currently working with many reputed companies. 100% placement assistance every year with good packages. Regular industry visits. Annual sports events. Cultural activities. Sri Sai Polytechnic. Opposite Hotel Tristar, Nagpur Road, Chandrapur. Institute code 4234. Sri Sai Polytechnic. Qualified and experienced regular staff. Glorious record of first, second and third merit in MSBTE. 650 plus students placed in reputed companies. Alumni with 80 lakhs highest package. From year 2017, Sri Sai Polytechnic provided maximum number of campus placements, regular industrial visits and activities, annual sports and cultural events. Sri Sai Polytechnic, 100% academic results. Admissions opens for 2023-24. Hostel and bus facility from Chandrapur city, Varora, Kukus, Ballarpur, Bhadravati. श्री साई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चंद्रपूर, हॉटेल ट्राईस्टार चमागे, CTPS रोड चंद्रपूर। प्रवेश सुरू, शासकीय नियमानुसार शिष्यवृत्ती लागू। इलेक्ट्रिकल फिटर, यांत्रिक उपकरणे, यांत्रिक डिझेल, वेल्डर अभ्यासक्रम, एक्सपीरियन्स्ड स्टाफ, एक्सलंट रिझल्ट्स। श्री साई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चंद्रपूर। इन्स्टिट्यूट कोड 0603।